नमस्कार आपण देखुछन्ती खबर फटाफट मु जागृति आरंभ करबा बुलेटिन श्रीमंदिर रत्नभंडार चाबी हजिबा प्रसंग रे पुरी सर्किट हाउस रे चलीथवा गुरुत्वपूर्ण बैठक शेष जस्टिस रघुवीर दास कमिशन का अध्यक्षता रे प्रथम दिन रे बैठक बसितला बैठक पर कमिशन सांबादिक सम्मेलन रे ने सूचना दैछन्ती कमिशन कहिछन्ती जे मिलिथवा चारिटी सत्यपाठ रे विशेष तथ्य नाही सत्यपाठ दाखल पई समय मागिछन्ती श्रीमंदिर ओ जिल्ला प्रशासन कमिशन का परवर्ती सुनानी अगस्त 7 तारीख रे हेबो सेपरी कमिशन को निकट रे पक्ष रखिछन्ती जगन्नाथ सेना आवाहक बैठक रे रघुवीर दास को व्यक्तिगत सचिव जस्टिस काशीनाथ पाणिग्राही जिल्लापाल अतिरिक्त जिल्लापाल उपजिल्लापाल श्रीमंदिर मुख्य प्रशासक रजिस्ट्री ट्रेजरी अधिकारी एवं एसपी प्रमुख उपस्थित थिले बैठक रे विभिन्न तथ्य कागजपत्र जांच करिछन्ती कमिशन श्रीमंदिर रत्न भंडार चाबी हजिबा नहीं राज्य सरकार कमिशन को तदंत भार देते एने कमिशन सत्यपाठ आह्वान करते गत 25 तारीख में शेष होता सत्यपाठ दाखल अवधि ओडिया भाषार अभिवृद्धि अधिक अध्ययन गवेषणा पूरी सत्यवादी में प्रतिष्ठा होब ओडिया विश्वविद्यालय एने राज्य सरकार घोषणा पर समग्र अंचल खेली जा खुशर लहरी मुख्यमंत्री को निष्पत्ति को स्वागत करने सहित धन्यवाद जनवाक आज नवीन निवास सम्मुखें एकजुट होते हजार हजार लोके ओडिया विश्वविद्यालय पर सरकार सत्यवादी को बाछ पंचशखा सम्मानित करवसर में आयोजित स्वतंत्र उत्सव में मुख्यमंत्री को धन्यवाद जनवा सहित फूल तोड़ा दे संबर्धित कर बहु विशिष्ट व्यक्ति संगठन अगस्त प्रथम सप्ताह में ट्विन सिटी पुलिस कमिशनर भाव में दायित्व ने सत्यजित महांती आज से दायित्व ग्रहण करिबार कार्यक्रम था तेज पुलिस महानिर्देशक आरपी शर्मा एवं विदेश गस्तर डीजीपी विदेश गस्तर फेर पुलिस कमिशनर भाव में दायित्व ने सत्यजित महांती आरपी शर्मा फेर पर्यंत डीजीपी भाव में दायित्व तुलाइए सत्यजित कमिश्नर पुलिस ट्राफिक वेब पोर्टाल शुभारंभ यह आरंभ कर पुलिस कमिशनर वाईबी खुरानिया कटक भुवनेश्वर रूट रे दैनंदिन रूट लाइन संपर्क रे वेब पोर्टाल रे प्रदर्शित करा जिवो केउ रूट रे गहली रहिबो केउ रूट रे खाली रहिबो ट्राफिक रहिबो ना नाही से संपर्क रे पोर्टाल रे सबो दिन सूचना मिली परिबो पोर्टल देखि लोके निजरो गंतव्य स्थल रे सहज रे पहुंची परिबे सेई परे पेट्रोलिंग पई ट्राफिक पुलिस को 16टी स्पीड बाइक प्रदान करा जायछि पेट्रोलिंग एवं एमवी चेकिंग पई बाइक गुड़ी को व्यवहार करा जिवो पूर्वरु एथि पई 6टी बाइक दिया जायथिला बालेश्वर जिला जलेश्वर ब्लॉक घणंटियाड गांव रे चोर संदेह रे युवकंकु गछरे बांधि निस्तुक माड़ मारिले ग्रामवासी शनिवार राति रे सिमुलिया गांव जणे युवक एही गांव रो अन्य जणक घरे पसि मोबाइल चोरी करबा नै अभियोग होइथिला मोबाइल चोरी करिबा परे युवक जणक उक्त व्यक्ति घरे सोई पड़ीथिले सकाळु युवक जणक काबू करा जायथिला परे ग्रामवासी युवक जणक गछरे बांधि निस्तुक माड़ मारिथिबा अभियोग होईछि जहार वीडियो एबे हेछि वायरल पुणी अश्लील वीडियो वायरल प्रेमिका सहित अंतरंग मुहूर्तर वीडियो को प्रेमिक करिछि वायरल बेंगलुरु आरपा अग्रहारा थाना रे मामला रुजु करिछन्ती युवती जणक लिखित अभियोग मामलाटी बेंगलुरु मयूरभ थाना को स्थानांतर कर युवक युवती मयूरभ होता जमापड़ सबड़े मामला रुजु पर अभियुक्त युवक फेरार अच्छी गत 26 तारीख में युवक जनक फेसबुक में अंतरंग वीडियो पोस्ट कर गुरुप्रे सेतु को माओवादी विरोध विरोध कर बानर मारी माओवादी मलकानगि चित्रकोंडा ब्लक कुरुमानुरु छक शहीद स्तंभ निर्माण कर बानर टांगी माओवादी मलकानगि कोरापुट विशाखापाटना डिविजन कमिटी ए स्तंभ निर्माण कर गुरुप्रिया सेतु को आम विरोध करनर में उल्लेख रही माओवादी संगठन को वृद्धि लिखाई मृत माओवादी स्मृति को मन पक नक्सल चिंताधारा को बढ़ावा स्तंभ निर्माण कर आसाम नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटिजन्स एनआरसी तरफ जारी हुई शेष ड्राफ्ट जारी होता यह ड्राफ्ट अनुसार 2,98,83,670 लोक आसाम मूल नागरिक सेबड़े 40,07,707 जन एथिरु बाद पड़िछन्ती
रिपोर्ट प्रकाश पाइबा परे एबे पाखापाखी 40 लाख लोकंकु घर हराइबाकु पड़ी पारे एमाने ठीक भाबरे नागरिकत्व प्रमाण देई पारि नथिबारु आसाम मूल नागरिक तालिकारु बाद पड़िछन्ति। 1971 मसीहा मार्च 25 तारीख पूर्वरु जेमाने आसाम रे रही आसुछन्ति से समस्त भारतीय नागरिकंकर ना ठिकाना फोटो एनआरसी निकट रे रहिछि। जेमानकर तथ्य एनआरसी निकट रे नाही सेमाने आसाम नागरिकत्वरु बाद पड़िछन्ति। रिपोर्ट को प्रतिक्रिया रखिंट आसाम मुख्यमंत्री सर्वानंद सोनवाल कही बाद पड़ा लोके पुणि थे आवेदन करे। तेज गृहमंत्री राजनाथ सिंह कहते बाद पड़ा लोकं विदेशी बोली बेचना किंवा विरुद्ध में कौन कार्यानुषान तेज चलित बर्ष डिसेंबर में पूर्वपरि एनआरसी चूड़ा ड्राफ्ट प्रकाश पाइब। सबड़े एनआरसी रिपोर्ट को दृष्टि रखी आसाम में कड़ा सुरक्षा बंदोबस्त कर सीआरपीएफ 220 कंपनी फोर्स मुतयन होती बारपेटा दरांग दीमा ओसाओ सोनितपुर गोलाघाट आदि अंचल 144 धारा जारी करा। कौन प्रकार अप्रीतिकर परिस्थितिर मुकाबला करने समस्त प्रकार प्रस्तुति एथि सहित कौन प्रकार गुजब उपर ध्यान नदेवाई लोकं निवेदन कर आसाम प्रशासन। आसाम एनआरसी रिपोर्ट को नहीं संसद उभय गृह में प्रबल हट्टगोल हो तृणमूल कांग्रेस सांसद सौगत राय राज्यसभा मुलतवी प्रस्ताव आगत कर प्रसंग को नहीं विरोधी सरकार को कड़ा समालोचना कर राज्यसभा को बारंबार मुलतवी करने पड़ी। लोकसभा उठी प्रसंग सरकार को घेरी विरोधी ने प्रतिक्रिया रखिंट केन्द्र गृहमंत्री राजनाथ सिंह कहते तालिकार ना नथिबा लोकंकु विदेशी भाव विवेचना करना विरुद्ध भी कौन कार्यानुषान कहारी को भयभीत होवार दरकार नहीं राजनाथ कहते। डाटा प्रकाश करने पछे सरकार कौन भूमिका नहीं समस्त कार्य सुप्रीमकोर्ट निर्देश में करे बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी कहते तालिकार ना नथिबा लोकंकु देशरु पळाई जिबाकु कुहा जिबा दरकार। झारखंड राजधानी रांची में घटी एक अभावनीय घटना गोटे परिवार सात जन लोके आत्महत्या करथवा अभियोग होईछि। रांची दीपक झांक परिवार लोकंकर मृतदेह मिलिबा पर स्थानीय अंचल में आलोडन सृष्टि होईछि। दीपक झा एक घर कंपनी में काम करते परिवार रे स्त्री बापा मा पिला छुआ रोते कांके थानार बोडिया कोल्ड स्टोरेज निकट रे घटना घटी सामूहिक मृत्यु घटन पुलिस तार तदंत आरंभ कर। पूर्व हजारीबाग में गोटे परिवार छह जन लोक आत्महत्या करते उक्त घटनार तदंत आरंभ हो नाबे आउ एक सामूहिक आत्महत्या घटना वर्तमान चर्चार विषय पलटिछ। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को परिवार पर पुणि बढ़ला समस्या आईआरसीटीसी टेंडर दुर्नीति मामलें दिल्लीर पटियाला हाउस कोर्ट लालू को परिवार विरुद्ध समन जारी कर। अगस्त लालू को परिवार समस्त सदस्य को कोर्ट में हाजर होगा पड़े सेपटे सीबीआई कोर्ट लालू प्रसाद समेत पत्नी राबड़ी देवी और बड़ पु तेजस्वी यादव नाम से समन जारी कर लालू को परिवार विरुद्ध में बेनामी संपत्ति एवं टैक्स चोरी अभियोग रही। सेपटे कोर्ट को निर्देश पर लालू को परिवार को समालोचना करी जेडीयू एवं साइकिल चलाई कोर्ट जांतु एवं कौन दुर्नीति करी कोर्ट को कहतु बोली तेजस्वी को आक्षेप करी जेडीयू मुखपात्र अजय आलोक कही। जम्मू और काश्मीर में छुट्टे आउ जे जवान को हत्या पुलवामा जिले में जे जवान को घरे पशि आतंकवादी गुली कर मारी अभियोग दक्षिण काश्मीर पुलवामा अंचल नैरा अंचल सीआरपीएफ जवान नसीर अहमद घरे अचिन्हा आतंकवादी धसे पशि उपरको गुली चल जमापड़। गुरुतर अवस्था डाक्तरखाना को निया डाक्तर से मृत घोषणा करते आतंकवादी को धरने संपुक्त अंचल को कर्डन आरंभ कर मामलें पुलिस एक मामला रुजु करपटे नसीर कर अंतिम संस्कार शेष हो अंतिम संस्कार बहु लोक जोगद नसीर अहमद सीआरपीएफ 134 बटालियन में कार्यरत थे छुट्टी घर को आसी पूर्व जुलाई 21 तारीख दिन छुट्टी कांस्टेबल
मोहम्मद सलीम शाह को मध्य दक्षिण काश्मीर कुलगाम अंतर्गत मुताल हमा अंचल बासभवन आतंकवादी अपहरण करने हत्या कर सोपियान जिलार संदिग्ध आतंकवादी पुलिस कर्मचारी जावेद दर को अपहरण कर जुलाई 6 तारीख में मृतदेह कुलगाम मिलता दिल्ली में जमुना नदी में जलस्तर क्रमगत भाव में बढ़िवार लगी देखि आखपाख अंचल पानी पशिवानी विपद बढ़िपे लगी हरियाणार हतिनी कुंड बारेज्रु लगातार पा छाड़ जा बन्या स्थित उपजा जमापड़ सेपटे दिल्ली और यार आखपाख अंचल वर्षा लग रही दिल्ली सरकार स्थित उपरे क्रमगत भाव में नजर रखिंट नियंत्रण कक्ष को 24 घंटा पर अलर्ट रहा प्रशासन को सतर्क रहा अलर्ट जारी कर सुप्रीमकोर्ट में पोलावरम मामला बुधवार सुधा रिपोर्ट दाखल करने 6 राज्य को सुप्रीमकोर्ट निर्देश देते पोलावरम क्षेत्र में कौन पदक्षेप नि प्रकल्प द्वारा कौन समस्या हो संपर्क में जनवा सुप्रीमकोर्ट निर्देश देते सर्वोच्च अदालत यह प्रसंगे ओडिशा छत्तीसगढ़ तेलंगाना आंध्रप्रदेश महाराष्ट्र कर्नाटक सरकार को रिपोर्ट मांगी छत्तीसगढ़ ओडिशा सीमारे बस दुर्घटना कोरापुट जिला चांदिली निकट एक पोखरी में खसी पड़ा यात्रीवाही बस छत्तीसगढ़ जगदलपुर धर्मगढ़ को जाता गुप्ता ट्रावेल्स बस की ब्रेक फेल जो पोखरी में पड़ जा दुर्घटन दुई जन यात्री आहत होती बस में मोट 40 जन यात्री थे समस्त सुरक्षित भाव में उद्धार कर आहत हॉस्पिटल में चिकित्सा पर भर्ती करीएमके मुख्य करुणानिधि स्वास्थ्यावस्था सुधार आसू करुणानिधि चिकित्सा करुवा डाक्तर सूचना देते मूत्रनली संक्रमण में पीड़ित हो चेन्नईर कावेरी हॉस्पिटल चिकित्सित करुणानिधि तांकर स्वास्थ्यावस्था जानिया डाक्तरखाना बाहर समर्थकों भिड़ लगुची भिड़ को हटाबा पई पुलिस लाठीचार्ज करने को बाध्य होता सेपटे करुणानिधि स्वास्थ्यावस्था जानिया बड़ बड़ नेता भिड़ लगुच डाक्तरखाना शांति बजाय रखा समस्त अनुरोध कर गुजरात सूरत में नौ महलारु महिला आत्महत्या यार वीडियो वायरल बिल्डिंग में लगी सीसीटीवी कैमरा यार दृश्य कैद होती महिला जनक मानसिक विकारग्रस्त थे जमापड़ उत्तर प्रदेश मेरठ में जने बीजेपी नेता और तांकर ड्राइवर नारे गणदुष्कर्म अभियोग उत्तराखंड एक होटल रे पीड़िता निशा दे युवती को दुष्कर्म कर पीड़िता अभियोग को भेटी करी पुलिस तदंत आरंभ करी शिव पंचाक्षर मंत्र में मुखरित गगन पवन बोलबम हर हर बम ध्वनि में उछुड़ शैवपीठ श्रावण प्रथम सोमवार राज्य विभिन्न शिव मंदिर में लगी श्रद्धालुओं भिड़ पानी ढाड़िया लंबा धाड़ी में ठिया हो रही थे कावड़िया राज्य प्रमुख शैवपीठ से श्रद्धालुओं हो स्वतंत्र बंदोबस्त रीतनीति अनुयायी पूजार्चना कर परे श्रद्धालु माने लंबा धाड़ी रे जाई महादेवंक मुंड रे जल लागी करिछन्ति विश्वास रहिछि शिवंक पाखरे श्रद्धा एवं निष्ठार सहित जल लागी कले समस्त मनस्कामना पूरा होइथाय ओडिशार अन्यतम प्रसिद्ध शैवपीठ कटक धवलेश्वर मंदिर होई उठिछि चलचंचल राज्यर कोण अनुकोणरु छुटी आसिछन्ति हजार हजार काउडिया बोलबम ध्वनि रे प्रकंपित होई उठिछि पूरा परिवेश राति दुईटे प्रथम पहड़ खोल श्रीजीवर समस्त नीतिकांति 108 जलाभिषेक राति तीनटे पहड़ खोल दूरदूरां आवड़िया बाबा निकट में जल लागी विश्वास रही श्रावण सोमवार महादेव को जल लागी कले समस्त मनस्कामना पूर्ण होता आज प्रथम श्रावण सोमवार चंद्रग्रहण सप्ताह होवड़िया सेतटा भिड़ ना आज 5000 अधिक कावड़िया समागम होता भक्तों समागम को दृष्टि रखी देवोत्तर विभाग पक्ष व्यापक बंदोबस्त कर आज हो पवित्र श्रावण मास प्रथम सोमवार आज पवित्र दिन में कटक प्रसिद्ध गड़गड़िया घाट में देखा मिलता शिव भक्तों भिड़ महादेव मस्तक जल लागी सहर विभिन्न शैवपीठ गुड़िक भक्तों सुअ छुटी श्रावण प्रथम सोमवार होते अपेक्षाकृत कम संख्यक श्रद्धालु उभय गड़गड़िया घाट और शिव मंदिर गुड़िक देखा मिली कारण है ग्रहण सप्ताह
आसंता सोमवार दिन होगा प्रबल भक्त समागम को दृष्टि रखी गड़गड़िया घाट सहित कटक सहर और जातीय राजपथ में अधिक ट्राफिक फोर्स मुतयन करा पुलिस पक्षर क नयगढ़ शरणकूल लड्डू बाबा मंदिर में कावड़िया गहली लगी 7000 अधिक कावड़िया समावेश होता से 1000 महिला कावड़िया राति दुईटू बाबा नीतिकांदी कावड़िया लंबा लाइन में जाए बाबा पाखे जल लागी करती महिला कावड़िया मंदिर प्रशासन पक्षर व्यवस्था कर श्रृंखलित दर्शन पर ब्यारिकेड्र व्यवस्था रही मंदिर परिसर पुलिस फोर्स मुतयन होती बालेश्वर जिलार प्रसिद्ध शैवपीठ बाबा पंचलिंगेश्वर पीठ से कावड़िया भिड़ जमाई घाटी जल उठाइवा आरंभ कर जलाभिषेक पर्यंत समस्त नीतिकांति श्रृंखलित भाव में चली जलाभिषेक लगे पंचलिंगेश्वर पीठ से 15000 अधिक भक्त समागम छोटर बड़ सभी धाड़ी में जाए महादेव को जल लागी कर मंदिर में शांति श्रृंखला रक्षापी मंदिर ट्रस्ट पक्ष व्यापक व्यवस्था कर पवित्र श्रावण प्रथम सोमवार उपलक्षे ब्रह्मपुर सहर समेत गंजाम जिलार विभिन्न पीठ से होउठी चलचंचल महादेवर नाम को उच्चारण कर कावड़िया पानी भार नहीं विभिन्न शिवपीठ से पहुंची सेठे महादेव को जलाभिषेक कावड़िया पक्ष उपकंठ गोलंथरा निकटस्थ ईशाणेश्वर मंदिर में प्रबल कावड़िया भिड़ लगी लंबा धाड़ी में छिड़ा हो महादेव को जलाभिषेक सहित पूजार्चना भी करवड़िया भोर तीनटू ही मंदिर कवाट खोल पर महाप्रभु को विभिन्न रीतनीति मुताबक पूजार्चना करपर कावड़िया जलाभिषेक करीड़ दृष्टि रखी मंदिर परिचालना कमिटी पक्ष व्यापक बंदोबस्त कर शैवपीठ में बोलबम भक्त प्रबल समागम आज श्रावण मास प्रथम सोमवार पुरीर आराध्य देव प्रभु लोकनाथ मंदिर में जल लागी करने कावड़िया भिड़ राज्य विभिन्न स्थानों आसीवा शह शह श्रद्धा महादेव जल लागी कर हर हर महादेव बोल बम हर हर बम ध्वनि प्रकंपित हो उठी सारा परिवेश कावड़िया भक्त सुविधा निमंते मंदिर प्रशासन पक्ष आज भोरु ठाकुर समस्त नीतिकांति शेष कर जल लागी आरंभ हो श्रावण प्रथम सोमवार कलाहांडी विभिन्न शैवपीठ में भक्तों भिड़ लगी विभिन्न नदी और जलाशय बोलबम भक्त जल आनी महादेव निकट में लागी कर धर्मगढ़ पारदेश्वर ठाकुर गुर्जी मुंडार पातालेश्वर ठाकुर देवगुंफा ता सहित बेलखंड प्रसिद्ध महादेव मंदिर में भक्तों भिड़ लगी भक्त मनस्कामना पूरण पर देवदेव महादेव निकट में पूजार्चना कर धर्मगढ़ पारदेश्वर मंदिर में प्रबल भिड़ जगत सिंहपुर महानदी को ट्रक खसी पड़ा घटना बुड़ी जा ट्रक्र सन्धान मिला उद्धार कार्य जारी चंडीखोल पारादीप रास्तार भूतमुंडाई पोल खसी ट्रक दुर्घटना बेले ट्रक्रे थे ड्राइवर आउ हेल्पर ए संपर्कित अपडेट वर्तमान फोन लाइन अच्छा प्रतिनिधि पिनाकी महांती पिनाकी जहां सूचना पूर्व मिलता जे ट्रक प्रथम गत काली देखा देखा किंतु जेहेतु नदी में पानी थिला एवं स्रोत अधिक थिला सेइथिपई किछि दूर को चली जाइथिला वर्तमान केमती उद्धार कार्य अपन देखुचंती आउ किछि अपडेट दबाई चाहिबे कि हाँ जाकू देखते कि बर्तन जहां सूचना मिली बर्तन आम जो बर्तन से घटना स्थल बर्तन आम पहुंची देखा देखा बर्तन जो जगह ट्रक टेला गत काल से सन्धान पाई कि आज जेहेतु मानने नदी पा बढ़ी और ट्रक से आउ टे दूर को घुंची जाता और किसी समय प्राय तीन चार घंटार अपरेसन पर उधार कार्य और सन्धान करने खोजा को चलता उधार टीम थी अग्निशम विभाग थे कि जो चारज जो स्थानीय मत्स्यजीवी थे सहायतार बर्तमान ट्रक की सन्धान मिली और ट्रक की सन्धान पाला बर्तमान जो जगह ट्रक टे अच्छी केमी बाहर को मैं कूल को टणा टाणी केमी आणवे बर्तमान से व्यवस्था कर जो दुज स्कूबा ड्राइवर अच्छा से बर्तन जो मैरीन डिपार्टमेंट बर्तन पुलिस बर्तन रखा जाए नियोजित बर्तन आरंभ है बर्तन से मध्यान खाया आसती बर्तन पुणी द्वितीय पर्यायर उधार कार्य आरंभ हम और ट्रक को बाहर को आनला पर ही जना पड़ से ड्राइवर किभली भाव अच्छा हेल्पर अच्छा कि नाटा तरह स्पष्ट हम जा निहाती केमती आप उद्धार कार्य को देखुं एवं भी दुई जन पत्ता मिल पारिना कौन कह चाहिए
ହଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସବୁଠାରୁ ଗୋଟେ ମାନେ ଗୋଟେ ଦୁଃଖଦ ଦୁର୍ଘଟଣା ଏବଂ ବଡ ଦୁର୍ଘଟଣା, କାରଣ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ନଦୀ ଭିତରକୁ ଖସି ପଡିବା ଏବଂ 50-60 ଫୁଟ ଯୋଉ ଗଭୀର ମହାନଦୀ ଜଳ ଭିତରକୁ ଖସି ପଡିବା ଏବଂ ଟ୍ରକ୍ ସହିତ ଡ୍ରାଇଭର ନିଖୋଜ ହେବା ଏବଂ ଡ୍ରାଇଭର ସାଙ୍ଗରେ ହେଲ୍ପର ଥିବା ଭଳି ଯୋଉଭଳି ଭାବେ ଗୋଟେ ମିଳୁଛି ସୂଚନା ମିଳୁଛି, କିନ୍ତୁ ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଇପାରୁନି, କାରଣ ଯେହେତୁ ଡ୍ରାଇଭର ସାଙ୍ଗରେ ହେଲ୍ପର ଥିଲା କି ନାହିଁ, କାରଣ ସେ ଟ୍ରକ୍ ଭିତରେ ଥିବ ଯଦି ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଟ୍ରକ୍ ଉଦ୍ଧାର ହେଲା ପରେ ହିଁ ଜଣାପଡ଼ିବ ତାଙ୍କ କୋଉ ଅବସ୍ଥାରେ ସେମାନେ ଉଦ୍ଧାର ହଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମାନେ କାରଣ ପୂର୍ବରୁ ସେ ଜାଗାରେ ପ୍ରାୟ 4-5 ମାସ ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ସେଇ ଜାଗାରେ ପୁଣି ଗୋଟେ ଟ୍ରକ୍ ଗଳି ପଡ଼ିଥିଲା ଏବଂ ତାଦେହରେ ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁବରଣ ହେଇଥିଲା ଏବଂ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ପୁଣି ସେମିତି ଗୋଟେ ସେଇଭଳି ଘଟଣା ଘଟିଛି, ତେଣୁ ଦେଖାଯାଉଛି ହୁଏତ ଡ୍ରାଇଭର ଭାରସାମ୍ୟ ହରେଇକିରି ଏଭଳି ଭାବେ ଘଟଣା ହେଇପାରେ କି ଅଲଗା କୌଣସି ତାଙ୍କର ବୈଷୟିକ ତ୍ରୁଟି ହେଇପାରେ କ'ଣ ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଯେହେତୁ ଯିଏ ହିଁ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟେଇଛି ଡ୍ରାଇଭର ସେ ହିଁ ଯେହେତୁ ଗାଡି ଭିତରେ ହିଁ ରହିଛି ଏବଂ ତାଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ କୌଣସି ପତା ମିଳୁନାହିଁ, ତେଣୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ କାରଣଟା କ'ଣ କୁହାଯାଇ ପାରୁନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ହିଁ ବାମ ପଟକୁ ଏବଂ ଯାଇଛି ଏବଂ ଟ୍ରକ୍ଟି ଯେତେବେଳେ ବାମ ପଟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ହିଁ ପୋଲ ପଟୁ ଭାଙ୍ଗିକି ଯେତେବେଳେ ବାଡ଼ା ଭାଙ୍ଗିକି ଯେତେବେଳେ ପଡ଼ିଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସବୁଠାରୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣା ଏବଂ ସମସ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନ୍ୱେଷଣ ବିଭାଗ ପୋଲିସ ଏବଂ ଓଡ୍ରାଫ୍ ଟିମ୍ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ପଦ ଉଦ୍ଧାର କରି ଆରମ୍ଭ ହେବ ଏବଂ ପରିବାର ପକ୍ଷ ତାଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଆଶା ଆଶଙ୍କା ରହିଛି ଏବଂ ଶୋକାକୁଳ ପରିବେଶ ମଧ୍ୟ ଗତକାଲିଠାରୁ ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ପରିବାର ଏଇଭଳି ଅବସ୍ଥା ଅଛନ୍ତି, ଯେ ହିଁ ଡ୍ରାଇଭର ଥିଲେ ସେହି ମାଲିକ ବୋଲି କୁହାଯାଉ, କାରଣ ଯିଏ ଯାହାଙ୍କ ଟ୍ରକ୍ ସେହି ଡ୍ରାଇଭର ସେହି ମାଲିକ ସ୍ଥାନୀୟ ଉଦୟ ଭଟ୍ଟର ଅଜିତ ମଣ୍ଡଳ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି, ତେଣୁ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ହେଇସାରିଲା ପରେ ଟ୍ରକ୍ଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାହାରକୁ ଆସିଲା ପରେ ହିଁ ଜଣାପଡିବ, ଯଦିଓ ଡ୍ରାଇଭର ଏବଂ ହେଲ୍ପରଙ୍କର ପତା ମିଳି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଟ୍ରକ୍କୁ ଠାବ କରାଯାଇଛି। ଆପଣଙ୍କର ସୂଚନା ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ପିନାକୀ। ଏଥିଲେ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ପିନାକୀ ମହାନ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଗତସିଂହପୁର ମହାନଦୀରେ ଯେଉଁ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା ସେ ସମ୍ପର୍କିତ ଅପଡେଟ୍ ଦେଉଥିଲେ। 24 ଘଣ୍ଟାର ଅଧିକ ସମୟ ବିତିଗଲାଣି, ଗତକାଲି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା ଏବଂ ପୋଲ ଉପରୁ 40 ଫୁଟ ତଳକୁ ଖସି ପଡ଼ିଥିଲା ଟ୍ରକ୍ଟି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡ୍ରାଇଭର ଏବଂ ହେଲ୍ପରଙ୍କର ପତା ମିଳିନାହିଁ, ଅପରପକ୍ଷରେ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି ଏବଂ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନର ଅପଡେଟ୍ ଟ୍ରକ୍ଟିକୁ ଠାବ କରାଯାଇଛି ଏବଂ କିଭଳି ଭାବରେ ତାକୁ କୂଳକୁ ଅଣାଯାଇପାରିବ ସେ ନେଇ ପ୍ରୟାସକୁ ଜୋରଦାର କରାଯାଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଛାତ୍ର କଂଗ୍ରେସର ଆନ୍ଦୋଳନ, ଲୋୟର ପିଏମ୍ଜିରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ବେଳେ ପୋଲିସ ଏବଂ ଛାତ୍ର କଂଗ୍ରେସ ମଧ୍ୟରେ ଧସ୍ତାଧସ୍ତି, କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତି ନୀତିକୁ ବିରୋଧ କରି ଚାଲିଥିଲା ଆନ୍ଦୋଳନ, ପ୍ରତିବାଦରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ ପିସିସି ସଭାପତି ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ରାଉରକେଲା ଇସ୍ପାତ କାରଖାନାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପେନ୍ସନ, ନୂତନ ମଜୁରୀ ଚୁକ୍ତିନାମା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ଦାବିରେ ବିଏମ୍ଏସ୍ ଏବଂ ରାଉରକେଲା ଇସ୍ପାତ କାରଖାନା କର୍ମଚାରୀ ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଇଛି। ବିଏମ୍ଏସ୍ ନେତା ରାଜେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତ ଏବଂ ରାଉରକେଲା ଇସ୍ପାତ କାରଖାନା କର୍ମଚାରୀ ସଂଘର ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ହିମାଂଶୁ ବଳଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ 1 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଇଛି। ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏସ୍ବିଆଇ ମେଡିକାଲ ବ୍ରାଞ୍ଚରେ ସର୍ଟ ସର୍କିଟ୍ ଯୋଗୁଁ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ, ନିଆଁ ଲାଗିବା ବେଳେ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ଗ୍ରାହକମାନେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଭିତରେ ଥିବାରୁ ଭୟଭୀତ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ। ଏସିରୁ ନିଆଁ ଲାଗିଥିଲା, ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ସମ୍ପର୍କରେ ଖବର ପାଇ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ଏବଂ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଭାଗ କର୍ମଚାରୀ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି। ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡରେ ବିଶେଷ କ୍ଷୟକ୍ଷତି କିନ୍ତୁ ହୋଇନାହିଁ। ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ସଇଁତଳ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କୁ ମିଳିଥିବା କମ୍ ଫସଲ ବୀମା ଟଙ୍କାକୁ ନେଇ ଆଜି ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ ଘେରାଉ କରାଯାଇଛି। ଗତବର୍ଷ 2017-18 ମସିହାରେ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାରେ ଭୟାବହ ମରୁଡ଼ି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା, ମରୁଡ଼ିରେ ସଇଁତଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ବହୁ ପରିମାଣର ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲା। ଏଣେ ରାଜ୍ୟ ରିଲିଫ କମିଶନରଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଭିନ୍ନ ଅଧିକାରୀ କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ଆକଳନ କରିଥିଲେ, ହେଲେ ପୂରା ଫସଲ କ୍ଷତି ପାଇଁ ବୀମା ଟଙ୍କା କେବଳ 20-30% ମିଳିଥିବାରୁ ଚାଷୀମାନେ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ବୀମା କମ୍ପାନୀକୁ ତାଗିଦ କରି 100% କ୍ଷତିପୂରଣ ନ ଦେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଜୋରଦାର କରାଯିବ ବୋଲି ଚାଷୀମାନେ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। କଟକ ଜିଲ୍ଲା ବାଙ୍କୀ ଥାନା ଅଂଶୁପା ହ୍ରଦ ନିକଟସ୍ଥ ଚନ୍ଦକ ସେତୁ ନିକଟରୁ ଅଜଣା ଯୁବକଙ୍କର ଶବ ଉଦ୍ଧାର, ଗତକାଲି ରାତି ପ୍ରାୟ 9ଟାରେ ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କର ମୃତଦେହ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ପଡ଼ିଥିବା ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ପୁଲିସକୁ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ତେବେ ପ୍ରଥମେ ମୃତ ଯୁବକଙ୍କର ପରିଚୟ ମିଳିପାରିନଥିଲା, ପରେ News18 ପ୍ରତିନିଧି ନିଜ ଫେସବୁକ୍ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଫଟୋ ଛାଡ଼ିବା ପରେ ତାଙ୍କର ପରିଚୟ ମିଳିଛି। ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତି କଟକ ଜିଲ୍ଲା ତିଗିରିଆ ଥାନା ଜେମାଦେଇପୁର ଗାଁର ବିଶ୍ୱନାଥ ବର୍ଦ୍ଧନଙ୍କର 27 ବର୍ଷୀୟ ପୁଅ ସନା ବର୍ଦ୍ଧନ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପୁଲିସ ମୃତଦେହ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ପଠାଇଛି, ତେବେ ସନାଙ୍କର ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିବା ନେଇ ପରିବାର ଲୋକେ ବାଙ୍କୀ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି। ଏନେଇ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ପୁଲିସ ତଦନ୍ତ କରୁଛି। ଗଞ୍ଜାମ ଶେରଗଡ଼ ଗୋଠ ଗାଁରେ ଗୁଳିକାଣ୍ଡ, ଗୁଳିମାଡ଼ରେ ଯୋଗୀ ସ୍ୱାଇଁ ନାମକ ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ଯୋଗୀଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ବିଶାଖାପାଟଣା ନିଆଯିବା ରାସ୍ତାରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି।
आहत जोगी छाती में दुईट गुड़ बाजी पूर्व शत्रुता को केन्द्र कर गुड़कांड घटना सन्देह कर गांव पूर्वतन सरपंच शिवराम सेठी और अन्य दुई सहयोगी जोगी गुड़माड़ कर जोगी ना पूर्व विभिन्न थाना अपराधिक मामला रही गुड़कांड पर अभियुक्त फेरार अच्छा सिरगढ़ थाना पुलिस घटनार तदंत चल दुर्घटनारे कावड़िया मृत ब्रह्मपुर 16 नंबर जातीय राजपथ रंडा छक दुर्घटना पानी नहीं जवा बेले अजणा गाड़ी धक्कारे जने कावड़िया जीवन जा मृत कहले भिकारी बेहरा घर केउट सोनापुर अंचल गोलंथरा थाना पुलिस मृतदेह जबत करने सहित घटनार तदंत चल छतरपुर निकट में अनेक दुर्घटन दुई कावड़िया आहत होती दुईज को ब्रह्मपुर एमकेसीजी मेडिकल भर्ती कर थट्टा परिहास उत्तेजना आक्रमण बड़ भाईर ठेंगारे सान भाईर मृत्यु घटना घटी केन्दुझर जिला बड़बिल थाना स्टेशन रोड लाइन हाटिंग अंचल गतकाल रात खाइबा बेले संतान संतति नहेबाकुने सान भाई राहुल थापा को थट्टा परिहास करथिला बड़ भाई विपिन एहाकुने दुई भाई मध्ये कळी झगड़ा होइथिला परे हाताहातीर एहा रूप नहींथिला शेषे उत्त्यक्त बड़ भाई विपिन पाखे पड़ा एक ठेंगे सान भाई राहुल मुंड को एक शक्त प्रहार करचेत हो तले पड़ जाते राहुल और पर मृत्यु घटे बड़बिल पुलिस अभियुक्त विपिन को गिरफ्त कर समय सरी खबर फटाफट को यही रखु नमस्कार।